हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, पिछले दो क्लासेस से हमने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपने पांच फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम अपने छठे फंडामेंटल राइट्स यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारा छठा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिट्स, ये डील करता है आर्टिकल 32 से। और जब मैंने फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया था, तब मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वह जस्टिसिएबल इन कोर्ट होता है, और जो आर्टिकल 32 है इस बात को इंश्योर करता है। आर्टिकल 32 में उसमें यह बात बोली गई है कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके पास यह राइट होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के बचाने के लिए। यह बात आर्टिकल 32 में कही गई है। और दोस्तों, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इन्हों आर्टिकल 32 को सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। और यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, विच आर्टिकल कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत से लोग दोस्तों इसका आंसर प्रीएम्बल लगा कहते हैं, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 32। तो दोस्तों, ऐसे लोग जिनको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है और वो कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पांच तरीके के रिट्स को इशू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करके रिट्स इशू करती है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का यूज करके रिट्स को इशू करती है। तो कौन से पांच तरीके के रिट्स हैं? तो पहला है हैबियस कॉर्पस। सेकेंड है मैंडेमस। थर्ड है क्यू वॉरेंटो। फोर्थ है प्रोहिविजन। और फिफ्थ है सर्टियोररी। दोस्तों, ये पांचों रिट्स, ये पांचों ही लैटिन वर्ड्स हैं। इनमें से पहला है हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी या टू प्रोड्यूस अ बॉडी। इस सपोज कीजिए दोस्तों, कोई अथॉरिटी ए है, या कोई भी पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच, CID, CBI, कोई भी हो सकता है, जिसने बी को इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा है। तो बी या फिर उसके रिलेटिव या फिर उसके फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस का यूज कर सकता है उस व्यक्ति को रिलीज कराने के लिए। और जब हैबियस कॉर्पस का यूज होता है, तब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उस अथॉरिटी से यानी ए से यह क्वेश्चन पूछती है कि आपने किस रीजन के कारण बी को डिटेन करके रखा है। और अगर ए द्वारा दिए गए रीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पर्याप्त नहीं लगता है बी को डिटेन करके रखने के लिए, तो वह बी को उसी समय रिलीज कर देते हैं। दोस्तों, हैबियस कॉर्पस को और अच्छे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक केस रखा है, जो कि है रुदल शाह वर्सेस बिहार स्टेट। इसमें दोस्तों एक व्यक्ति था जिसने अपने सजा को पूरा कर लिया था, लेकिन उसको 14 साल ज़्यादा जेल में रहना पड़ा था। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात पता चली, तो उन्होंने अपने हैबियस कॉर्पस रिट्स का यूज किया और उस व्यक्ति को तुरंत ही रिहा कर दिया, और उसे जो भी एक्सटर्नली डैमेज हुए थे उसको प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट है मैंडामस। तो मैंडामस मतलब दोस्तों होता है कमांड। तो कोर्ट के पास ये ऑर्डर, कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वह किसी पर्सन से, किसी भी पार्टी से या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से पब्लिक ड्यूटी में दिए जाने वाले टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोल सकती है, उसको ऑर्डर दे सकती है। इसको और अच्छे समझने के लिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक केस के बारे में डिस्कशन किया है, जो कि है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इसमें दोस्तों फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने लोटस होटल के साथ एक एग्रीमेंट किया और यह बोला कि आपके कंस्ट्रक्शन में जो भी फंड की आवश्यकता हो, वह फंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा रिलीज किया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने कोई फंड रिलीज नहीं किया, जिसको देखते हुए लोटस होटल ने सुप्रीम गुजरात हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया था। और गुजरात हाई कोर्ट ने मैंडेमस रिट्स का यूज करते हुए गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को तुरंत फंड रिलीज करने के लिए बोला था पब्लिक ड्यूटी में। नेक्स्ट है प्रोहिविजन। प्रोहिविजन दोस्तों, इस रिट्स में हायर कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर इशू करती है।
इसमें इसमें बेसिकली दोस्तों जो भी हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर इशू करती है और किसी पर्टिकुलर केस में अपने उसके ज्यूरिडिक्शन को स्टॉप करने के लिए बोलती है। किस ग्राउंड पे? तो ओवर स्टेपिंग ऑफ ज्यूरिडिक्शन के ग्राउंड पे। ओवर स्टेपिंग का मतलब दोस्तों कि सपोज कीजिए कि हायर कोर्ट को यह लगता है कि जो लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वह किसी केस को वह कोई केस उसके दायरे से बाहर है और ऐसे केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल कर रहा है, तो हाई कोर्ट के पास यह पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक ऑर्डर इशू करेगा और तुरंत ही ज्यूरिडिक्शन को स्टॉप करने के लिए बोलेगा लोअर कोर्ट को, और साथ साथ यह भी बोलेगा कि वह केस वह हाई कोर्ट को सौंप दें। नेक्स्ट है सर्टिओरिटी। तो दोस्तों इस रिट्स में और प्रोहिबिशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर इशू करते हैं, लेकिन सर्टिओरिटी में जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर इशू करता है स्पीडी केस को हैंडओवर करने के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए, मतलब कि जल्द ही न्याय किसी पर्टिकुलर केस में जल्दी न्याय दिलाने के लिए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर इशू करती है। तो दोस्तों सर्टिओरिटी और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है? तो जो प्रोहिबिशन है दोस्तों तब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर इशू करती है जब कि हायर कोर्ट को यह लगता है कि लोअर कोर्ट अपने दायरे से बाहर किसी केस को हैंडल कर लिया, और जबकि सर्टिओरिटी में दोस्तों हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को तब ऑर्डर इशू करती है जब उसको लगता है कि किसी पर्टिकुलर केस में स्पीडी जस्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट है क्यू वारंटो। दोस्तों क्यू वारंटो का मीनिंग होता है बाई वॉट अथॉरिटी, यानी कि कोर्ट के पास यह पावर होता है कि वो किसी पर्सन से यह पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आपने किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा है। अगर उस व्यक्ति द्वारा किया या क्लेम रॉन्ग पाया जाता है, मतलब गलत साबित हो जाता है, तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तुरंत अपने पोस्ट से रिलीज कर देती है यानी हटा देती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अभी तक पाँच तरीके के रिट्स को पढ़ा, जिसमें से पहला था हैबियस कॉर्पस, सेकेंड था मैंडेमस, थर्ड था प्रोहिबिशन, फोर्थ था सर्टिओरिटी और फिफ्थ था क्यू वारंटो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पांचों रिट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।